नमस्ते, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर किसला राकेश, स्पीकिंग फ्रॉम माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं 10 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ पे हमने कुछ नए ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं। आज का टॉपिक इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू मी राइट नाउ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिप्रेशन ज़्यादातर लोगों ने अवसाद की बीमारी अब तक सुन लिया होगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट वेरी कॉमनली टॉक्ड अबाउट। देर आर टू थिंग्स हियर। बच्चा होने के बाद प्रेगनेंसी में बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं। देर इज़ ब्लूज़, जो नॉर्मल होता है, 6 से 8 हफ्ते में चला जाता है, मदर की थकान, फटीग, रोना, इमोशनल डिस्टर्बेंस। और एक होता है पोस्टपार्टम एक्चुअल डिप्रेशन, जो कि बीमारी है, वो कंटिन्यू करती है। माँ अपना ख्याल नहीं रख पाती है, बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती है, और ऊपर से सोसाइटी इतना प्रेशर देती है दैट यू हैव टू बी द परफेक्ट मदर, एंड दे आर अनएबल टू कोप एंड दे आर अनएबल टू आस्क फॉर हेल्प। इसको हमें थोड़ी गंभीरता से लेना है, बिकॉज वन, इट इज़ अ सीरियस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एक्चुअल इलनेस। सेकंड, यहाँ पे खाली एक नहीं, दो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, माँ और बच्चा दोनों। अगर वो फीड नहीं कर पा रही है, ख्याल नहीं रख पा रही हैं, उसका स्ट्रेस ले रही हैं, तो बच्चा भी वो स्ट्रेस महसूस करता है। घर वालों को थोड़ा ध्यान देना होगा। माँ सो नहीं रही है, रोती जा रही है, ख्याल नहीं रख पा रही है, बच्चे को निग्लेक्ट कर रही है या अपने आप का ख्याल नहीं रख रही है, तो प्लीज़ कंसिडर डिप्रेशन एंड आस्क फॉर हेल्प। स्टिग्मा भूल जाइए। हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी इलाज है। कन्वेंशनली वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स, सो दीज मेडिकेशंस वर्क रियली वेल, बट दे हैव साइड इफेक्ट्स लाइक ऑल मेडिकेशंस। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं सूट करता है। इन दिस पर्टिकुलर सेंसिटिव कंडीशन व्हाट हैपेंस इज, ज़्यादातर लोग बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दवाई नहीं लेना चाहते हैं, या अपनी बहू या मदर या वाइफ को देना नहीं चाहते हैं। बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। दिस इज़ वेयर वी कम इन। माइंड ब्रेन इंस्टीट्यूट में हम नई थेरेपीज अप्रोच कर रहे हैं। द समथिंग मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, RTMS इट्स कॉल्ड, एंड द अदर थिंग इज न्यूअर मेडिकेशन लाइक कैटामीन, इट्स एन इंजेक्शन विच ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना माँ की बॉडी पे, ना ब्रेस्ट फीडिंग पे, ना बच्चे पे। आप आइए, ट्रीटमेंट कराइए, तुरंत उसी दिन घर जा सकते हैं। यू विल स्टार्ट टू फील बेटर, मे बी आफ्टर द फर्स्ट सेशन, मे बी आफ्टर 2-3 सेशन, बट 5 दिन से ज़्यादा आपको अपनी टाइम नहीं देनी पड़ेगी, विच इज़ वाई वी रिकमेंड दिस फॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जस्ट क्विकली अ फ्यू मोर यू नो सिम्टम्स, सो दैट यू नो वॉट यू आर वॉचिंग फॉर। लोगों को लगता है डिप्रेशन में हमेशा इंसान रोता रहता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप उदास भी हो सकते हैं, आप गुमसुम भी हो सकते हैं, आप सब कुछ नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान बहुत कमज़ोर फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, शायद रोना रहा हो, लेकिन आप नोटिस करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर से चेंजेस नोटिस करेंगे। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस, नींद ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, भूख ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, या बार बार माँ कोशिश कर रही है, बच्चा पी नहीं पा रहा है, तो वो उसमें फ्रस्ट्रेट हो रही है, रोती जा रही है। फर्स्ट फ्यू डेज इट्स नॉर्मल, बियॉन्ड दैट प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। थैंक यू।